मरीज के मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने किया जमकर तोड़फोड़। भागलपुर के मायगंज अस्पताल के पेइंग वार्ड में इलाजरत बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के बिलकता निवासी कोरोना संक्रमित 65 वर्षीय मरीज शशिधर कापड़ी के मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में देर शाम तोड़फोड़ करते हुए जमकर बवाल किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने दो परिजनों को हिरासत में लेकर हंगामा शांत कराया। आक्रोशित परिजनों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के कारण उनके परिजन की जान गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि काफी जद्दोजहद के बाद पेइंग वार्ड में जगह मिली थी और आज ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का नट खराब होने के कारण जब उनके मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था तो इसकी शिकायत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी से किए जाने के बावजूद भी किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ भी पंखा भी नहीं चल रहा, हम लोग का स्थिति पूरा खराब हो गया। कल मेरे पापा जो थे, मेरे पापा क्या बोले, कल पापा को जला के आए हैं, आज दादा यहाँ एडमिट हुए हैं। घर पे गए थे, कोरोना वायरस निगेटिव था, यहाँ पे आए पहले वहाँ पे रख दिया बाहर में, बोला रुको, एक घंटा बाहर में रखा, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिला, कहीं बेड खाली ही नहीं था। इनका 3 लड़का 7 दिन में डेड कर गया, इसके बाद ये बेड पे है। धीरे धीरे हम लोग सब बेड पे आ जाएंगे, हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। जो भी हो सकता कुछ मदद कीजिए, ऑक्सीजन कहीं से दिलवाइए। कोई भी डॉक्टर नहीं सुन रहा है, बुलाने गए कोई भी नहीं आ रहा, मदद कीजिए, मेरे दादा को बचा लीजिए। मेरे पापा चले गए, चाचा चले गए, हम लोग 4 दिन से कुछ भी नहीं खाए हैं, नहीं सोए हैं, क्या बोले हम, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, यहाँ का पूरा सिस्टम खराब है। यहाँ पे शायद ही कोई बच के यहाँ से जा पाता है, और तो सब डेड बॉडी सब पड़ा हुआ है। मदद कीजिए, मदद कीजिए, कोई मदद कीजिए, सब थक के खत्म हो गया, कोई नहीं मदद कर रहा हम लोग का, हम लोग को कोई ना मदद कर रहा है, मदद कीजिए, नहीं ये सब कुछ दे रहा है, सब सिस्टम खराब हो गया है। मेरी दादी टूट चुकी है, इनका 3 लड़का डेट कर गया, इनके पति बेड पे है, क्या करें, मदद कीजिए।